चलिए सबको स्क्रीन विजिबल है आइए अब हम लोग चालू करते हैं मेरा वॉइस भी सबको क्लियरली आ रहा है एकदम चलो तो सितंबर 21 का पेपर हम लोग चालू करेंगे अभी सितंबर 21 का पेपर हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से चालू करेंगे अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज फिफ्टीन इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन नाइनटीन एंड वेरियंस टू जस्ट अभी हम लोग किए थे एन माइनस वन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलो स्काई स्क्वायर एन माइनस वन ठीक है राइट एक्सप्लेन वाई योर आंसर इन पार्ट वन इज वैलिड फॉर दिस रैंडम सैंपल क्यों वैलिड है बताइए दंडोलाइंग सैंपल इज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्पन फॉर द सैंपल वेरियंस होल्ड ट्रू ठीक है सिंस नॉर्मल है तो नॉर्मल का ही तो स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का बनता है काई स्क्वायर वन ठीक है ना इसीलिए दंडलाइंग सैंपल इज फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्शन फॉर द सैंपल वेरियंस होल्ड ट्रू ठीक है ना स्टेटिस्टिशन वॉन्ट्स टू सिमुलेट वैल्यूज फ्रॉम सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज अवेलेबल ओनली अ रैंडम नंबर जनरेटर दैट इज इंडिपेंडेंट सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल जीरोम नंबर फ्रॉम अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलो सो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दूसरा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे t1 जो है वो क्या हो जाएगा z बाय रूट अंडर वाई और z क्या फॉलो कर रहा है नॉर्मल जीरो कॉमा वन वाई क्या फॉलो कर रहा है यहां पर का स्क्वायर वन ठीक है यही तो था ना याद करो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था नॉर्मल डिवाइड बाय क्या था बताइए नॉर्मल डिवाइड बाय रूट अंडर काई स्क्वायर ही था ठीक है एंड वाई तो जेड जो मेरा है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है और वाई जो है वो काई स्क्वायर वन है तो ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे आर इंडिपेंडेंट ठीक है इसके बाद में हम लोगों क्या करना है <laughs> हम लोगों क्या करना है सिमुलेट सिमुलेट जेड वन जेड टू फ्रॉम नॉर्मल जीरो कॉमा वन डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरा जो जेड टू का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या फॉलो करेगा so, का स्क्वायर वन सो जेड वन बाय रूट अंडर जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट जेड वन बाय जेड टू No, this will t1. को अगर तुम स्क्वायर करेगा तो वो काम लोगीटर्स थ्री बाई टू कॉमा हाफ सो बेसिकली वी बाई टू कॉमा हाफ है सो वी so so, मेरा क्या हो जाएगा थ्री पैरामीटर्स क्या होता है गामा का जैसे देखो गामा अगर है v by 2 comma half. So this is what chi square v. So here for v ka value kya aayega three because three by 2 comma half bola hai. So ham logo kya karna padega three to independent and identically distributed IID random variables jo hai z1, z2 or z3. ये मेरा follow करेगा normal जीरो comma वन ठीक है तो मेरा z1 वन का जो स्क्वायर है प्लस जेड का जो स्क्वायर है और Z3 का जो स्क्वायर है सो जेड वन जेड टू का जो स्क्वायर है वो मेरा क्या फॉलो करेगा का स्क्वायर थ्री दिस इज सेम एज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थ्री बाई टू कॉमा हाफ सिमिलर रैंडम नंबर विद वन कॉमा वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक है ये भी बहुत सिंपल है एफ मतलब क्या होता है का स्क्वायर का डिविजन तो so, Z1, Z2 हम लोग कहां से करेंगे नॉर्मल से सिमुलेट करेंगे ठीक है तो फिर Z1 का जो स्क्वायर है और Z2 का जो स्क्वायर है ये दोनों क्या फॉलो करेगा का स्क्वायर वन ठीक है इंडिपेंडेंटली सो Z1 का जो स्क्वायर है बाय Z2 का जो स्क्वायर है ये क्या फॉलो करेगा एफ वन कॉमन वन याद रहा है स्क्वायर यू बाई यू होल डिवाइड बाई का बी बाई वी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कम अप इन द एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूरा रिलेशनशिप अच्छे से बताया है टी का टी डिस्ट्रीब्यूशन फिर एफ का और तुम्हारा काई स्क्वायर और गामा का फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट बी बाय ए माइनस वन एंड वेरियंस ऑफ एक्स मेरा कितना है ए बी स्क्वायर बाय ए माइनस वन का स्क्वायर ए माइनस टू ए मेरा जो है वो क्या है फोर बी मेरा जो क्या है वो क्या है सिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ आई गिवेन एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई गिवेन एक्स अपने को दे दिया है अपने को क्या निकालना है वेरियंस ऑफ वाई फिर स्टैंडर्ड डिविजन निकालेंगे ठीक so, of 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 है ना सो so, so, ए और बी डाल के एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे दिस विल बी नाइन वेरियंट ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये सॉल्व कर लेना ये मैं नहीं कर रहा ए और बी डाल के एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस का वैल्यू पहले सॉल्व कर लेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखो द नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट ईच डे फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनोन मीन एम द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एम फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन The restaurant receives 135 pizza orders over seven days. Write down an expression for the prior probability density function for m. So prior का क्या हो जाएगा बताइए? Gamma distribution में को mean और standard deviation दे दिया है. So मतलब alpha by lambda क्या हो जाएगा बताइए? 35. And alpha by lambda square क्या हो जाएगा? 25. So यहाँ से मेरा alpha आ जाएगा 49 और मेरा lambda आ जाएगा 1.4. प्रायर फॉर एम सो एम विल फॉलो वॉट गामा फोर्टी नाइन कॉमा वन पॉइंट फोर उसका पीडीएफ क्या बन जाएगा इसका पीडीएफ एफ प्रायर एम सो दिस विपोर्शनल टू एम टू दावर फोर्टी एट ई टू दावर माइनस वन पॉइंट फोर एम ठीक है उसके बाद में मेरे को बोलता है आइडेंटीफाई विच वन ऑफ देशन गिवस द करेक्ट पॉस्टेरियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सो लाइटलीहुड जो बनेगा वो क्या बनेगा ई टू दी पावर माइनस सेवन एम एम टू दी पावर वन थर्टी फाइव क्यों टोटल वन थर्टी फाइव पिज्जा ऑर्डर ओवर सेवन डेज है ठीक है सो पोस्टेरियर क्या हो जाएगा एफ पोस्ट एम दिस विल बी प्रपोर्शनल टू एफ पोस्ट एम सो दिस विल बी प्रपोर्शनल टू एफ प्रायर एम इंटू लाइकलीहुड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा तो प्रायर इंटू लाइक्हुड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ भी नहीं करना इसमें ठीक है तो एफ पोस्ट एम So, this is proportional to m to the power 48 e to the power minus 1.4 m into e to the power minus 7 m m to the power 135. So, this is m to the power 183 e to the power minus 8.4 m. कैल्कुलेट अट एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ पिजाइजिंग सो ऑल ऑर नथिंग में क्या होता है मोड होता है ठीक है सो मोड इज द वैल्यू विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को मैक्सिम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सो डीडीएम लॉग एफ पोस्ट एम ठीक है सो दिस इज वो डीडीएम वन एटी थ्री एल एन एम माइनस एट पॉइंट फोर एम सो दिस इज वन एटी थ्री बाय एम माइनस एट पॉइंट फोर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हम लोग का एम हैट आ जाएगा सो दट एम हैट इज इक्वल टू वॉट ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन एट सिक्स सेम सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है फिर बोलता है स्क्वायर लॉस तो एरर लॉस में मीन होता है सो so, मीन कैसे आएगा एल्फा सो इट इज 184 एटी फोर बाय एट ठीक है सिंपल क्वेश्चन अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए प्रोबेबिलिटी दट द क्लेम इज मेड ऑन अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी इनक्यूलर इयर इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्सिलिटी इज जीरो हंड्रेड ऑफ दीज पॉलिसीज आर सेलेक्टेड एट रैंडम सो मेरा एंड कितना है फाइव हंड्रेड ठीक है कैलक्युलेट द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन फोर्टी ऑफ दीज पॉलिसीज विल रेजल्ट इन अ क्लेम ड्यूरिंग द इयर सो so, एक्स मेरा क्या है नंबर ऑफ पॉलिसीज नंबर ऑफ पॉलिसीज वेयर अ क्लेम इज मेड ठीक है सो so, मेरा एक्स क्या फॉलो करेगा बाइनोमियल फाइव हंड्रेड ठीक है सो so, इसको नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एनपी कॉमा एन इंटू पी इन क्यू ठीक है अपने को निकालना है नो मोर देन फोर्टी मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर्टी सो दिस इज वॉट कंटिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे लेस देन फोर्टी पॉइंट फाइव तो दिस इज प्रोबिलिटी देड इज लेस देन करके पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग को बोला पास डेटा फ्रॉम द इन्श्योर इंडिकेट दैट दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्लेम अमाउंट

ठीक है पास डेटा बोल दिया मतलब सिग्मा दे दिया है सो दिस टेन और सिग्मा अपने को सेवेंटी फाइव दे दिया है ठीक है विथ का मतलब क्या होता है समझा एक्स बार प्लस माइनस अच्छा नाइन्टी फाइव परसेंट बोला है, मतलब ढाई ढाई परसेंट काटेंगे सो वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टू इंटू दिस इज टेन वन पॉइंट नाइन सिक्स सिग्मा बाय रू टेन प्लस so, माइनस करेंगे तो टू इंटू विथ मतलब क्या होता है जो तेरा कितना डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज क्योंकि बाकी सब तो मेरे को पता ही है ना अपने को क्या बोला है कैलकुलेट द सैंपल साइज नीडेड टू अचीव दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी फॉर अटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ठीक है ए को देख लीजिए यहां तक ओके सो सिग्मा 75 है एन अपने को निकालने बोला था ठीक है सो अगेन देखो नौ नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये विच से एन निकालने का तो बहुत बार देता है आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन ऑफ अंडम वेरियबल वाई सो बेसिकली मेरे को एफ वाई दे दिया so, so, सबसे पहले तो एफ वाई निकालना है So, this is integration 0 to y 2 c t, e पावर माइनस सी टी सी टी स्क्टी तो सी टी स्क् कुछ ले लेंगे समझ गया ना सी टी स्क्वायर को मान ले जेड लेता है तो टू सी टी डी जेड समझ रहे तो वही चीज आएगा यहां पर और लिमिट से पर डाल के देख लेना तो so, ये तरह आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल क्योंकि माइनस है ना एक तो माइनस भी आएगा माइनस सी टी स्क्वायर जीरो टू वाई तो ये आ जाएगा वन माइनस इट टू द पर माइनस सी वाई स्क्वायर वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो माने इसमें हो क्या रहा है ये जो है इसका डिफरेंटिएशन सामने है तो माइनस है कॉमन लेके माइनस टू सी टी कर देंगे यार है स वाई इज वॉट एफ इन वर्स यू ठीक है अपने को तो यही बोला है ना बोला है इनवर्स ऑफ दी डी एफ ऑफ वाई सो वाई इज वॉट एफ इन वर्स यू तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा मैंने ऐसा करेंगे एफ वाई इज यू है ना

जिंग द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का स्टेप्स लिखना है नंबर वन जेनरेट अडम वेरिएट यू फ्रॉम यू जीरो कॉमा वन नंबर टू रिटर्न वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय सी एल एन वन माइनस यू टू पावर हाफ अगामा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम फॉर सी विथ पैरामीटर ए एंड बी आईडेंटिफाई विच वन ऑफ एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द दॉरियर डेंसिटी ऑफ पैरामीटर सी ठीक है क्या चीज ये ऐसी है, मतलब सी को वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में सी के टर्म्स भी रहेगा क्यों सी तो कांस्टेंट है ना वो तो दे देगा क्वेश्चन ने यहां पर नहीं दिया है यहां पर खाली मतलब मैथमेटिकल में स्टेप्स लिखने बोल रहे हैं सी क्या होगा टू थ्री फोर पॉइंट फाइव कुछ भी हो सकता है सी तो बेसिकली so, अभी अपने को जो निकालने बोल रहा है P C given y <laughs> is proportional to pi c likelihood C Y. So this is nothing but C to the power A minus one E to the power minus C B two C to the power n. प्रोडक्ट वाई आई ई टू दी पावर माइनस सी वाई आई स्क्वायर मतलब बहुत सिंपल है यार ये आया था ना अपना जो दिया हुआ था ये रहा ये है तो इसी का मैं लाइक्वुड बनाऊंगा और प्रायर मेरे को गामा बोल दिया है ठीक है So this is so this is C to the power n plus a minus 1 exponential minus B. प्लस समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन वाई आई स्क्वायर सी ठीक है ना क्योंकि e टू दी पार माइनस सी बी भी है तो बी बाहर सी बाहर आ गया ठीक है और बाकी सब कांस्टेंट में चला गया बिकॉज मेरे को मतलब तो सिर्फ तुम्हारा मतलब नहीं है बोलने का मतलब प्रोडक्ट ये वाला आएगा अब ये अगेन गामा डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर्स क्या हो जाएगा एन प्लस ए और एक हो जाएगा बी प्लस समेशन i runs from 1 to n yi square ठीक है बनाने का सिंपल फंडा है प्रायर इनटू लाइटलीहुड और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो जो अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना मतलब उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा सब क्वेश्चन में Each an with B, है? और वाई अपना हो गया समेपल तो से गामा करने बोलेगा जस्टिफाई टी द मोमेंट जेनेटिंग फंक्शन ऑफ वेरिएिवन बाई दिस ठीक है आप एक्सपेनेंशियल का करते हो तो वन माइनस टी बाई बी टू दी पावर माइनस वन आता है इसको एंड टाइम्स करेंगे

एमजेड टी वॉट रूट एम बाई टी दिस इज वॉट वन माइनस टी बाई बी टू दी पावर माइनस एन बाई टू ठीक है ना तो काई स्क्वायर का क्या होता है वन माइनस टू टी टू दावर माइनस एन बाई टू बी का वैल्यू अपने को दिया है क्या अच्छा क्या होता है गामा विथ पैरामीटर्स वी बाय टू कॉमा हाफ यही होता है ना तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए हाफ क्योंकि देखो ना ये वाला तो एन बाय टू हो ही गया वी बाय टू तो हो ही गया और ये ही चाहिए हाफ लैम्डा ठीक है एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोल दिया ना तो वी बाय टू इज वॉट एन बाई टू तो v इज वॉट एन So MZT is the MGF of a chi square distribution with N degrees of freedom. So B is what? Zero point five. question number eight the number of hospital admissions for respiratory conditions in a big city was recorded over 150 days the level of the concentration of a certain pollutant was also recorded together with the mean temperature on the day Part of the data is shown below. A generalized linear model is to be fitted to investigate the dependence of the number of hospital admissions on mean temperature and pollutant concentration. Write down a suitable model for the number of hospital admissions. So, what do you The level of concentration of a certain pollutant was also recorded. नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन बोल रहे हैं ना तो नंबर नॉर्मली पॉइजन फॉलो करता है ठीक है सो वाई फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सो एल एन मू इज वॉट एल्फा आई प्लस बीटा आई एक्स वन सो यहां पर मेरा जो आई है वो क्या है वन टू थ्री ठीक है फॉर लो मीडियम high pollutant respectively so mu is what expectation of y alternative forms for the linear predictor the linear predictor above can also be written as ln mu so this is what बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू कॉमा आई प्लस बीटा थ्री कॉमा आई एक्स वन आई यहां पर क्या है टू कॉमा थ्री फॉर मीडियम एंड हाई पोल्यूटेंट और अ मॉडल विदाउट द इंटरेक्शन टर्म कैन बी गिवेन इंटरक्शन टर्म के बिना भी हो सकता है फिर हमने को बोलता है जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ द टर्म्स दैट यू हैव यूज इन द लीनियर प्रोडिक्टर इन पार्ट वन ठीक है तो क्यों क्यों यूज करेंगे और क्या यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1 2 एंड थ्री आर दी को एफिशियंट को एफिशियंट मतलब होता है जो एक्स जैसे थ्री एक्स है तो एक्स के पहले जो रहता है दट इज कोफिशियंट आर दी को एफिशियंट ऑफ दी मेन इफेक्ट फॉर पोल्यूटेंट

So, ये तो ये तो तुम्हारा एल्फाई को क्यू कर रहे हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद में वी मे ऑल्सो नीड द इंटरेक्शन टर्म बीटा आई एक्स वन सो वॉट इज दिस बीटा आई एक्स वन इज वॉट द इंटरैक्शन टर्म द इंटरैक्शन टर्म ठीक है इफ इफेक्ट, इफ दी Effect of temperature on number of interaction term if the effect of temperature on number of hospitalizations is different. फॉर ईच लेवल ऑफ पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन अंडर ऑल्टरनेटिव फॉर्म फॉर द लीनियर प्रोडिक्टर बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट बीटा नॉट मेरा क्या है इंटरसेप्ट Beta 1 is the coefficient for the main effect for temperature. Beta 2i are the coefficients of the main effect of pollutant concentration for medium and high pollutant. Beta 3i the coefficients of the effect of temperature on number of hospitalizations. Thik hai. Thik hai. A statistician fitted a GLM and obtained the following summary. Suppose that on a different day the pollutant concentration is high. द मेन टेम्परेचर इज नाइनटीन डिग्री सेल्सियस ठीक है पोल्यूटेन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई सो बहुत सिंपल है ये वाला पोल्यूटेन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्सटू एक्स टू हाई है और मेन टेम्परेचर इज नाइनटीन तो ये वाला आपने को लगाना पड़ेगा मेन टेम्परेचर इज नाइनटीन बोल दिया है ठीक है सो so, अपने को इंटरसेप्ट दे दिया माइनस जीरो पॉइंट थ्री सेवन टू विच इज एक्स जीरो फिर अपने करेंगे प्लस एक्स वन दे दिया अपने को जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू नाइनटीन प्लस जीरो पॉइंट टू नाइन एट विच इज एक्स टू हाई ठीक है ना माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स विच इज एक्स वन टू एस टू एक्स टू हाई ठीक है माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स नाइनटीन सो अपने को बोल दिया ऑलरेडी अपने को ऑलरेडी बोल दिया है पोल्यूटन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई सो so एक्स टू हाई वाला यूज करेंगे एक्स टू हाई वाला यूज करेंगे ठीक है तो so, यहां पर अपना आ रहा है दिस इज इक्वल टू एल एन इसके बाद में एक्सप्लेन वाई एस्टिमेट्स फॉर एक्स टू लो एंड एक्स वन एक्स टू लो आर नॉट शोन दे आर नॉट लिस्टेड एज एक्स टू लो इज यूज एज दी रेफरेंस कैटेगरी और इक्विवेलेंटली देर इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द इंटरसेप्ट एस्टिमेट एक्स टू लो का मतलब क्या हो गया एक्स टू लो स कैटेगरी ठीक है और इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द इंटरसेप्ट इंटरसेप्टीट फिर इसके बाद में कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन बेस्ड ऑन द समरी ऑफ द रिजल्ट अब मीडियम कॉन्सेंट्रेशन हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट मीडियम कॉन्सेंट्रेशन हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज कंपेयर टू लो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा जीरो पॉइंट मीडियम कॉन्सेंट्रेशन वाइल हाई कॉन्सेंट्रेशन एज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस तो ऐसे मीडियम में तुम्हारा है थर्टी वन और तुम्हारा मीडियम कॉन्सेंट्रेशन जब जब देखो ना हाई है हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन एज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफेक्ट फॉर नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ठीक है तुम्हारा अब जैसे लो दिया हुआ मीडियम दिया हुआ हाई दिया हुआ ठीक है ये लोग क्या बोलते हैं x1 x2 मीडियम तो ये तुम्हारा 0.036 ठीक है और हाई में है तुम्हारा 0.076 तो फर्क है बट मीडियम अगर तुम देखेगा x2 मीडियम में 0.036 और हाई में है माइनस 0.076 पॉइंट so, तो वही बोला मीडियम कॉन्सेंट्रेशन एज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट

टेम्परेचर बिकम्स लेस इम्पोर्टेंट वेन पोल्यूटन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको रीड कर लो एक बार अच्छे से गेला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको रीड कर लो एक बार अच्छे से इसमें बेसिकली अपने को सबसे पहले एक्स वन दे दिया है टेम्परेचर एक्स टू दे दिया पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड वाई जो है हम लोग का वो है हॉस्पिटल एडमिशन ठीक है यहां पर अपने को दे दिया बीटा आई एक्स वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, ठीक है एक है तुम्हारा बीटा टू आई द को एफिशियंट ऑफ द मेन इफेक्ट फॉर पोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड बीटा थ्री आई एक है को एफिशियंट फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेश ठीक है चलो क्या बोलता है मीडियम कॉन्सेंट्रेशन एज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज कम्पेयर टू लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन इज अग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इफेक्ट इसको मार्क कर लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर नाइन में देखो एनालिस्ट वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक बिलवस दैट फॉर्म फर्स्ट परसेंटेज रिटर्न डिपेंड्स ऑन इट्स रेवेन्यूज द टेबल बिलो प्रोवाइड बाई द नेचुरल लॉगरिथमिक रेवेन्यू

अपने को क्या दे दिया है? वेरियंस दे दिया है सो so, वेरियंस से कैसे निकालेंगे ध्यान देना अपने को इसमें क्या दे दिया वेरियंस दे दिया है so, सो से कैसे निकालेंगे सो एस एक्स एक्स इज वॉट वेरियंस ऑफ एक्स इन टू एन माइनस वन ठीक है सो दिस इज वॉट 261.881 का स्क्वायर इंटू एक्सो फिर अपने को सिमिलरली एस वाई वाई निकालना है अगर तो वो अपने करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई इंटू एन माइनस वन तो जीरो पॉइंट एट टू फोर का स्क्वायर इंटू एक्सो नौ तो दिस इज सेवेंटी फोर पॉइंट डबल जीरो एट ठीक है सो so, बीटा हैड क्या आ जाएगा आर रूट अंडर एस वाई वाई बाय एस एक्स एक्स तो दिस इज माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट टू फोर होल डिवाइडेड बाय टू सिक्सटी वन पॉइंट एट एट वन ठीक है सो अल्फा हैट इज व्हाट वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार ठीक है अब अपने को एक्स दे दिया है दूसरा पार्ट में जैसे अपना यहां पर आ जाएगा फिटेड लाइन तो यहां पर जैसे तो अपना y क्या आ जाएगा 0.113 पॉइंट वन वन थ्री माइनस फाइव पॉइंट फाइव जीरो सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव इंटू नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव फाइव तो ये वाला अपना आ जाएगा 0.108 ठीक है फिर इसके बाद में अपने को क्या बोलता है फिटेड रिटर्न के बाद में देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में बोलता है द एनालिस्ट एस्टिमेटेड द रिग्रेशन यूजिंग द लॉगरिदम रेवेन्यूज एंड वाई एज इतना कैलकुलेट द फिटेड रिटर्न फॉर द फॉर्म रेवेन्यू इतना यूजिंग द रिग्रेशन मॉडल विद द विदरिद्मिक रेवेन्यूज ठीक है सो so, कुछ नहीं करना है जो दिया हुआ है कल इसमें लॉग लग जाएगा सो so, यहां पर अपना आएगा 0.438 पॉइंट फोर थ्री एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो इन टू एलेन नाइंटी फाइव पॉइंट फाइव फाइव दिस इज जीरो पॉइंट जीरो टू एट कमेंट ऑन द रिजल्ट इन पार्ट टू एंड वन बी द रिटर्न एस्टिमेटेड लॉग रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न एंड वन बी एज एक्सपेक्टेड दोनों से अलग अलग आंसर आएगा फिर एस वाई वाई तो हम लोग निकाल ही चुके हैं सॉरी अपने को निकालने बोला वैल्यू ऑफ द सम एस जेड वाई ठीक है तो एस जेड जेड निकालना पड़ेगा which is ऑफ of z एन n वन सो दिस this is 1.6 1.698 ka square into 109 so का स्क्वायर 314.269 ठीक सो so, सो दिस z y अपना क्या आ जाएगा

क्योंकि बीटा क्या हो जाएगा एस जेडवाई बाय जेड जेड तो एस जेड वाई क्या हो जाएगा बीटा इंटू एस फिर ये लोग बोलता है परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिकल टेस्ट एट टेन परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल टू लॉगरिथमिक रेवेन्यू रेवेन्यूज अफेक्ट दी परसेंटेज रिटर्न सो अभी हम लोग बीटा के लिए टेस्टिंग करेंगे सो so, इसका जो पार्ट थ्री रहेगा उसमें आएगा एच नॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो एच वन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो सो सिग्मा हैट का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा वन बाय वन जीरो एट सेवेंटी फोर पॉइंट डबल जीरो एट माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट टू एट फोर का स्क्वायर बाय थ्री वन फोर पॉइंट टू सिक्स नाइन So this is zero point six six two. So this baad me standard error of beta hat. So this is sigma hat square by sxx to the power half. So this is zero point six six two by three one four टू सिक्स नाइन टू दावर हाफ फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाल के यूज करना है उसको फिर बोलते मोर स्टेबल एंड दस एंजॉय लार्जर रिटर्न दे कंसिडर द नल हाइपोथिस ऑफ नो रिलेशन बिटवीन से ठीक है परफॉर्म अटेटिस्टिकल टेस्ट एट टेन परसेंट सिग्निफिकेन्स लेवल टू डिटर्माइन वेदर दुलेन इज करेक्ट योर एंसर शुड इंक्लूड दाइपोथिस अभी हम लोग को सेम ही चीज करना है अभी हम लोग को जैसे सेम ही चीज करना है ऊपर में जो हम लोग किए हैं ना वही चीज करना है अपने को दोबारा से ऊपर में ऊपर में जो किए थे इक्वल नॉट इक्वल के लिए किए थे लार्जर रिटर्न बोला है, मतलब पॉजिटिव लार्जर रिटर्न मतलब खाली टेस्ट मैंने अपना वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर मेरा एच नॉट रहेगा बीटा इक्वल टू जीरो और मेरा जो अल्टरनेट रहेगा बीटा ग्रेटर देन जीरो बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो वहां पर क्या दो पर दोनों तरफ काटे होंगे ना पांच पांच परसेंट यहाँ पर एक ही तरफ लेंगे ठीक है वन साइड हो जाएगा सेम ही चीज का सेम ही चीज का वन साइडेड टेस्ट हो जाएगा कैलकुलेट पियर्सन को कोएफिशिएंट बिटवीन जेड एंड वाई सो पियर्सन का जो को कोएफिशिएंट है आर सो दैट इज एस जेड वाई बाय एस जेड जेड एस वाई वाई टू दावर हाफ फिर अपने को बोलता है क्लाइंट इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ फॉर्म दैट हेजेड इज इक्वल टू टू कैलकुलेट द्लाइंट प्रोडिक्टेड फर्स्ट इसेंटेज रिटर्न ठीक है तो अगर जेड मेरा टू है तो हम लोग कहा बैठाएंगे वाई स्टार में विच इज जीरो पॉइंट फोर थ्री एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू टू सो दिस इज जीरो पॉइंट टू फाइव एट

वन प्लस वन बाय एक सौ दस प्लस टू माइनस थ्री पॉइंट सिक्स एट सिक्स का स्क्वायर बाय थ्री वन फोर पॉइंट टू सिक्स नाइन दिस होल थिंग इनटू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू टू पावर हाफ ठीक है ना तो यहां से मेरा आ जाएगा जीरो पॉइंट एट टू वन इसलिए वन प्लस के क्योंकि इंडिविजुअल रेस्पॉन्स है ठीक है तो अब इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे जीरो पॉइंट टू फाइव एट प्लस माइनस 1.98 ठीक है ना 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला है इनटू जीरो 821. टू वन सो दिस इज माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स टी एक सौ आठ तुम लोग को नहीं मिलेगा तो इसको तुम लोग टी एक सौ बीस से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब फॉर्म इन द डेटा हैज लॉगरिथमिक रेवेन्यू एंड द हाइएस्ट फर्स्ट ईयर परसेंटेज रिटर्न वाई कैलकुलेट द रेसिड्यूल फॉर ऑब्जर्वेशन। सो पहले निकाल लेते फिर माइनस करके निकालेंगे निकालना है फोर पॉइंट थ्री 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 माइनस जीरो पॉइंट टू एट ये मेरा आ जाएगा फोर पॉइंट जीरो 53. फिर कमेंट ऑन दबजर्व डेटा फॉर दिस फर्म. दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन द रेसिड्यूल इज वे अब जीरो एंड फ्रॉम द टेबल परसेंटेज रिटर्न इज थ्री टाइम्स द मीडियन. दिस ऑब्जर्वेशन सीम्स टू बी एन आउटलायर और द रेसिड्यूल अपीयर्स लार्ज गिवन द साइज ऑफ दैम्पल एस डी ऑफ दीक है गुड क्वेश्चन यहाँ पर लॉगर वो दिया है Uh, इसको देख के करेंगे अच्छे से तो बन जाएगा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा चैलेंजिंग था बट अगेन दैट सिंपल क्लास में किया हुआ वै वैसा टाइप का क्वेश्चन नंबर टेन देखो टोटल इयरली एग्रीगेट क्लेम्स इन पर्टिकुलर कंपनी आर मॉडल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल एक्स where x is assumed to follow normal distribution with unknown mean mu and variance sigma square aggregate claims for the last 5 years are as follows are as follows an analyst wishes to estimate the unknown parameter mu identify which one of the following gives the correct expression of the derivative of the log likelihood function so l mu so l mu is what log product i runs from 1 to n f of xi given mu so this is equal to summation ln f xi given mu i runs from 1 to n so this is what minus n by 2 ln 2 pi minus n by 2 ln सिग्मा स्क्वायर माइनस क्यों बोलो तो क्या फॉलो कर रहा है बोले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर ठीक है सो so, देयरफॉर डीडी म्यू ऑफ एल एंड म्यू सॉरी सो देर फॉर डीडी म्यू ऑफ एल विच इज लॉग लाइक्लीहुड लॉग लिए ना लॉग ऑफ दिस सो म्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे डीडी म्यू ऑफ लॉग लाइटलीहुड ऑफ म्यू इट इज वन बाय सिग्मा स्क्वायर समेन आई रन फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू ठीक है ना फिर कैलकुलेट द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट फॉर म्यू यूजिंग अर आंसर टू पार्ट वन इसको जीरो डालो इसको इक्वल टू जीरो डालो ठीक है सो so बेसिकली मैंने क्या किया वन बाय सिग्मा स्क्वायर समेन आई रन फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू इसको मैंने जीरो डाल दिया ठीक है तो इसको जीरो डालने से क्या आया इसको जीरो डालने से क्या आया बताइए म्यू हैट सो म्यू हैट इज वॉट समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन विच इज एक्स बार सो म्यू हैट कितना आ जाएगा एक लाख 40000 एवरेज ले लेंगे फिर पार्ट थ्री में बोलता है कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू अगेन इट्स वेरी सिंपल सो म्यू हैट प्लस माइनस 1.96 क्योंकि म्यू हैट क्या फॉलो करता है एप्रोक्सीमेटली नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। सो 1.96 रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर बाय n ठीक है तो सिग्मा स्क्वायर अपने को निकालना पड़ेगा बेसिकली डेटा को फीड करके म्यू और वो निकाल लेना ओ दे दिया नहीं निकालना है वो तो मीन म्यू एंड वेरिएंस अच्छा वेरिएंस तो दे दिया बारह हजार का स्क्वायर तो ये क्या आएगा मेरा ध्यान देना तो दिस विल बी वन लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू ट्वेल्व थाउजेंड बाय रूट अंडर फाइव फिर अपने को बोलता है एनालिस्ट अ नॉर्मल प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर म्यू विद डेंसिटी फंक्शन दिस तो बेसिकली मेरे को एफ म्यू दे दिया है ये सब सब क्लास में कराया हुआ एफ म्यू मेरे को दे दिया है एफ म्यू मेरे को क्या दिया है ई टू पावर माइनस म्यू माइनस म्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय म्यू माइनस म्यू नॉट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर जीरो टाउ नॉट दे प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यू सजेस्ट म्यू नॉट एंड सिग्मा नॉट इज इतना राइट द डिस्ट्रीब्यूशन करेस्पॉन्डिंग टू डेंसिटी पी म्यू गिवन एक्स बार अब ऑल इट्स पैरामीटर वैल्यूज ठीक है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने क्लास में कराया हुआ है तो उसका पैरामीटर्स क्या क्या होता है एन टाउ एक्स बार प्लस टाउ नॉट म्यू नॉट ये क्लास में कराया हुआ अभी देख लेना थोड़े वो चेंज है मतलब थोड़े इंटरप्रिटेशन चेंज है मतलब लेटर्स एन टाउ प्लस टाउ नॉट ये हो गया एंड वेरिएंस जो आएगा ये मेरा आया है मीन आ रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा ये मीन आ रहा है और जो वेरिएंस जो आएगा वेरिएंस जो आएगा दैट विल बी वन बाय एन टाउ प्लस टाउ नॉट तो मेरा जो यहां से आ रहा है वो क्या आएगा म्यू हैट फॉलोज नॉर्मल वन फोर टू वन सिक्स सिक्स पॉइंट सेवन कॉमा फोर सेवन फोर नाइन पॉइंट सेवन सेवन का स्क्वायर फिर हम लोग को बोलता कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यू द प्रायर एंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ द सेम टाइप द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉन्जुगेट प्रायर फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉन्जुगेट प्रायर फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू का दिया है ना तो म्यू क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है और उसका प्रायर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेज़ियन क्रेडिबिलिटी एस्टिमेट फॉर म्यू अंडर क्वाड्रेटिक लॉस सी एक्सपेक्टेशन सो म्यू नॉट का एक्सपेक्टेशन मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका तुम्हारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा वन फोर टू वन सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है ना फिर अपने को बोलता है वैल्यू बोल दिया ना फिर अपने को बोलता है कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट 95 फाइव परसेंट बेजिन इंटरवल फॉर म्यू तो बेज इंटरवल कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है अपने जो म्यू हैट का जो आएगा ये आया गया ना अपना रहा बस कुछ नहीं करना है सो वन फोर टू वन डबल सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स रूट अंडर फोर सेवन फोर नाइन पॉइंट सेवन सेवन का स्क्वायर ठीक है कमेंट ऑन द इंटरवल्स एस्टिमेटेड इन पार्ट्स थ्री एंड पार्ट सेवन सो पार्ट थ्री एंड पार्ट सेवन द बेजियन इंटरवल इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द एमएलई द प्रायर बिलीफ हैज इंपैक्टेड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों अलग अलग तरीके से निकलवाएगा तो so, क्या बोल रहा है द बेजियन इंटरवल इज डिफरेंट मतलब क्या है नैरोअर ठीक है देन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ दी एम एल ई फुल स्टॉप The prior belief has impacted on the estimation of posterior. another analyst assumes a uniform prior distribution for mu with mu not इतना variance इतना identify which one of the following gives the correct expression of the posterior distribution for mu ठीक है सो so, दोबारा से मैं try करेंगे इसको तो so, क्या आएगा p mu x bar is proportional to एक तो likelihood चाहिए और एक prior चाहिए राइट सो so, अपने को क्या बोला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर म्यू सो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स बार माइनस म्यू प्लस एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर मैंने ब्रेकअप किया मतलब इसका और कुछ नहीं किया है ब्रेकअप किया है तो दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल माइनस एन बाय टू सिग्मा स्क्वायर एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर अब देखो इसमें मतलब कैसे ही आया समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स बार माइनस म्यू इज जीरो स्टेप देख लो ऐसा क्यों हो रहा है सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो सो दिस इज नथिंग बट एक्स बार माइनस म्यू बाहर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज जीरो और एक चीज जो है जो प्रपोर्शनैलिटी में चला गया समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वा डज नॉट डिपेंड ऑन म्यू ठीक है मैंने म्यू पे ये डिपेंड नहीं करा तो खाली एक ही चीज बच रहा है ठीक है इस पेपर को अच्छे से देखो और बाकी हम लोग कल करेंगे सुबह नौ बजे भी करेंगे और फिर इस टाइम पे भी करेंगे कल दो पेपर करेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू और कोई भी डाउट वगैरह हो तो क्यू फोरम पे डालते रहो फैकल्टी लोग सॉल्व करते रहेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू